चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की दुनिया कितनी काली है, यह हमें समय समय पर सामने आने वाली खबरों से पता चलता है। आज भी बात ऐसी एक अपराध की कहानी की, जिसमें एक अय्याश फिल्म प्रोड्यूसर ने शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया और जब बीवी को उसकी अय्याशी का पता चला तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन। फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा को उनकी पत्नी यास्मीन ने मुंबई में अंधेरी की एक रिहायशी बिल्डिंग की पार्किंग में दूसरी औरत के साथ कार में बैठा देखा था। जब वह उनसे बात करने आई तो कमल मिश्रा ने फरार होने की कोशिश में अपनी पत्नी यास्मीन को कार से कुचल दिया। घटना में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, उन्हें हाथ पैर और सिर में चोट लगी है। ये घटना 19 अक्टूबर की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी यास्मीन ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यास्मीन ने एक मीडिया समूह से बातचीत के दौरान बताया कि पिछले साल मुझे इनके चौथे अफेयर के बारे में पता चला। मैंने काफी जिद की तो वे मार्च में मुझे अपने साथ मुंबई ले आए। अंधेरी में एक फ्लैट में मुझे रखा, कुछ दिनों तक मकान का किराया और हमारा खर्च दिया, लेकिन फिर पैसे देने बंद कर दिए। मकान मालिक को कहा कि घर खाली करवा दो। बता दें कि मैं पहले आर्टिस्ट थी, शादी के बाद उसने मुझे काम करने से रोक दिया। मैं किसी से बात न कर सकूं इसलिए मेरा सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। इसी की वजह से अब बॉलीवुड में मुझे कोई काम नहीं देता है। यास्मीन के मुताबिक 20 फरवरी 2014 को अंधेरी कोर्ट में उनकी शादी रजिस्टर्ड हुई थी। कमल किशोर हिंदू था और वो मुस्लिम। यास्मीन ने इस बारे में बताया कि मेरे 3 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वह मेरे पीछे पड़ा था। इस शादी के 4 महीने बाद उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। 4 मौलानाओं के सामने हमारा निकाह हुआ था। शादी के लिए वह खतना कराने के लिए भी राजी था। मैं उनके साथ 2014 से 22 मई 2022 तक लखनऊ में ही रही। यास्मीन ने बताया कि जब भी कमल किशोर को कोई लड़की पसंद आती है तो वह उसे रिझाने के लिए खुद को अरबपति बताता है। अक्सर कहता है कि उसका यूपी में टेलीकॉम का बड़ा बिजनेस है, पैसों का लालच देकर लड़कियों को फंसाता है, इसके बाद सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाकर पति बन जाता है। बता दें कि बात मीडिया में आई तो गुरुवार को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उसे अरेस्ट किया है। करीब 5 घंटे तक यास्मीन का बयान भी दर्ज किया गया है। कमल किशोर मिश्रा बॉलीवुड का एक जाना माना फिल्म प्रोड्यूसर है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसी साल की शुरुआत में उसकी फिल्म देहाती डिस्को रिलीज हुई है, जो काफी चर्चा में रही। अब उसे क्या सजा मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य अपराध से जुड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।